साउथ अफ्रीका की सरजमी पर बढ़ सकती है टीम इंडिया की मुश्किलें। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी ज्यादा खतरनाक पिचों पर हो सकती है टीम इंडिया की परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। दोस्तों, टीम इंडिया टेस्ट और वनडे सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 26 दिसंबर से शुरू होगा और यह सीरीज भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाली है, क्योंकि साउथ अफ्रीका एकमात्र ऐसी टीम है जिसकी सरजमी पर टीम इंडिया आज तक पिछले 29 सालों में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। साउथ अफ्रीका की पिच स्विंग गति और उछाल के लिए जानी जाती है। यहाँ टीम इंडिया के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। साउथ अफ्रीका की पिचें हमेशा से ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह रही हैं। इंग्लैंड में बॉल स्विंग और सीम करती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर अतिरिक्त बाउंस देखने को मिलता है, जबकि अफ्रीकी मैदानों पर गेंद स्विंग और सीम भी करती है और बाउंस भी अच्छा होता है। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब टीम इंडिया को घर का शेर कहा जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों में टीम इंडिया ने ये दिखा दिया है कि वो घर से बाहर जाकर भी शानदार खेल दिखा सकते हैं। भारतीय टीम ने पिछले 2 ऑस्ट्रेलिया दौरों पर सीरीज जीतकर इतिहास रचा है। इंग्लैंड में भी इस साल टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी को खासा प्रभावित किया है। टीम इंडिया अब सीम और उछाल वाली पिचों पर खेलने की आदी हो गई है और इसका फायदा साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिल सकता है। टीम के गेंदबाज अफ्रीकी कंडीशंस का बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय तेज गेंदबाजों ने कुल 42 विकेट हासिल किए थे और इंग्लैंड दौरे पर भी 61 विकेट निकाले थे। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में टॉप 5 विदेशी गेंदबाजों में 3 स्पिनर्स के नाम आते हैं। खास बात यह है कि तीनों ही नाम लेग स्पिनर्स के आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन ने जहां 61 विकेट हासिल किए हैं, तो वहीं टीम इंडिया के अनिल कुंबले ने 45 और ऑस्ट्रेलिया के ही विक्टर ग्रिमट ने 44 विकेट अपने नाम किए हैं। भारतीय टीम की ओर से इस दौरे पर रविचंद्रन अश्विन मुख्य स्पिनर के तौर पर गए हैं। दूसरे स्पिन गेंदबाज के रूप में टीम के पास जयंत यादव मौजूद हैं। दोस्तों, हालांकि मौजूदा भारतीय टीम में कैप्टन कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे खतरनाक बल्लेबाज भी मौजूद हैं, जिनका रिकॉर्ड अफ्रीकी मैदानों पर गजब का रहा है, इस बार टीम इंडिया को हल्के में लेना अफ्रीकी टीम के लिए भारी पड़ सकता है। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज को लेकर आप कितना उत्साहित हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।